तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने साबूदाना वड़ा बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं, मैंने इसको कैसे बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी साबूदाना ले लिया है और इसको एक बर्तन में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको इसी तरह से थोड़ा सा हल्के हाथों से मस लेंगे जिससे इसका सारा स्टार्च निकल जाए और इसको दो तीन पानियों से धुल देंगे। तो ये देखिए, मैंने दो तीन पानियों से धुल दिया है। अब हम इसको उसी बर्तन में डाल देंगे और साबूदाना के बराबर ही पानी डाल देंगे। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, साबूदाना के बराबर ही पानी डालेंगे और इसको दो घंटे के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, दो घंटे बाद ये कितने खिले खिले साबूदाना फूल के तैयार हुए हैं और इनको हाथों में लेने से हाथ में पानी भी नहीं लग रहा है, तो साबूदाना फूल गए हैं। तो साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज़ 4 से 5 आलू ले लिए हैं और इनको उबाल लिया है। उबाल के मैंने इनको छील लिया है। तो इसको मैशर से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इनको साबूदाना में मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें हरा धनिया और मिर्च डालेंगे। मैंने दोनों को एक साथ कट कर लिया है और थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे, व्रत में खाने वाला नमक। थोड़ा सा जीरा डालेंगे और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। एक डो जैसा बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम थोड़ा सा डो लेके और इसको हाथों से प्रेस कर करके हम इसको बनाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा पतला बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको इतना मोटा बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर करके इसको साइड साइड भी, किनारों किनारों में भी सही करती जा रही हूँ जिससे ये फटी ना रहे। तो ये देखिए, हमने एक बना लिया है। अब हम इसी तरह से दूसरा बना के तैयार करेंगे। तो किनारों को भी अच्छे से इसी तरह से प्रेस करते जाएंगे जिससे ये फटे ना रहें, एकदम चिकना कर देंगे इनको, नहीं तो ये तेल में जाने के बाद फट सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आपसे बन नहीं रहा है हाथों से, तो प्लेट में रख के इसको इस तरह से इसी तरह से करके और इनको किसी चाकू की मदद से निकाल लेंगे। आप चाहें तो इनको किसी भी पॉलीथीन या फॉइल पेपर से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे बड़ों को बना लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा एक एक काजू लगाऊंगी। तो काजू को मैंने आधा आधा कट कर लिया है और इसी तरह से हम काजू को इसमें चिपका देंगे अच्छी तरह से। काजू को अच्छे से चिपकाएंगे, नहीं तो ये तेल में जाने के बाद निकल जाएंगे। तो मैंने इनको अच्छे से चिपका दिया है। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। गरम करने के बाद मैंने वड़ों को डाला है। तेल को अच्छे से गरम करने के बाद ही इसमें वड़ों को डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो पहले इसको 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए, मैंने इनको पलट दिया है। मैंने इनको थोड़ा सा जल्दी पलट दिया था। तो इनको फ्राई होने में लगभग 2 से 2.5 मिनट का समय लगता है। तो इसी तरह से हम मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे। इसी तरह से हम इनको अलट पलट के कुरकुरा होने तक पका लेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये कितने क्रंची बन के तैयार हुए हैं। इसी तरह से हम सारे बड़ों को डाल के फ्राई कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं ये बड़े कितने फूले फूले कचौड़ी जैसे बनके तैयार हुए हैं। तो बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने क्रंची बनके तैयार हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितने क्रंची बनके तैयार हुए हैं और कितने यम्मी दिख रहे हैं। तो आपको मैं एक तोड़ के दिखा देती हूँ ये अंदर से कितने मुलायम और बाहर से कितने कुरकुरे बनके तैयार हुए हैं। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी भी अच्छी और टेस्टी बनके तैयार होगी। तो आप इन बड़ों को टमाटर की चटनी के साथ खाइए और ये टमाटर की चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।